अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले आप लोगों को 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 14 अगस्त को बहुत अच्छी तरीके से मनाया होगा। लेकिन आप लोगों को आप लोग मुझसे सिर्फ कमेंट में इतना बताना कि आप लोगों ने 14 अगस्त कहाँ कहाँ पर मनाया है और किसी तरह मनाया है। तो गाइस अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक मेरा ये है कि आप लोगों को पहले मैंने इस वीडियो से पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब पर, तो मैंने बताया था कि टिकटॉक अकाउंट को कैसे अनफ्रीज करते हैं। तो गाइज बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आए हैं कि हमको मैसेज टिकटॉक की तरफ से नहीं आया, तो मैंने सारा तरीका उस वीडियो में बताया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाइए और पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देख लीजिए। तो गाइज सारा तरीका मैंने बताया था कि टिकटॉक अकाउंट को कैसे अनफ्रीज करते हैं। लेकिन गाइज बहुत ज़्यादा लोगों को मैसेज नहीं आए कि आपका और बहुत ज़्यादा लोगों का टिकटॉक अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ। तो दूसरा तरीका कैसा है, कैसा किसी तरह आप टिकटॉक अकाउंट को सही कर सकते हैं हम लोग, तो आज की इस वीडियो में मैं सारी तरीका बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने ये वीडियो को आखिर तक देखना है और वीडियो को ज़रूर पूरी देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरी नहीं देखोगे तो आप बात को समझ नहीं पाओगे। अगर आप बात को समझ नहीं पाओगे तो आपका टिकटॉक अकाउंट जैसा है इसी तरह रहेगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है और उसके साथ जो बेल आइकन का निशान आता है उसे दबाना है, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो गाइज आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक आज ये है कि अगर आपके टिकटॉक की तरफ से आपको मैसेज नहीं आया है, टिकटॉक ने आपका अकाउंट अनफ्रीज, टिकटॉक टीम्स जो है आपका अकाउंट उन्होंने अनफ्रीज नहीं किया है, आपने मैसेजेस की है बहुत। मैंने बताया था कि आप लोग तीन दिन तकरीबन हर रोज़ 2-3 बार मैसेजेस करो टिकटॉक को कि मेरा अकाउंट अनफ्रीज करो। मैंने सारी डिटेल दूसरी वीडियो में बताए थे जो मैंने इससे पहले अपलोड की थी। लेकिन अगर आपका अकाउंट फिर भी अनफ्रीज नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, तो ये आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज इसी तरह मेरे साथ भी हुआ था। मेरा एक अकाउंट था जो फ्रीज हुआ था, बिल्कुल मेरे वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते थे। मेरा अकाउंट आप लोग देख सकते हो, ये मेरा अकाउंट है, इस पर व्यूज़ आप लोग देख सकते हो बिल्कुल बहुत डाउन है, इस पर व्यूज़ नहीं आए थे। ये मेरा अकाउंट था जो आप लोग मेरा नाम भी देख सकते हो, आरिफ खान। तो ये मेरा टिकटॉक अकाउंट आप लोग सर्च भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तो ये मेरा अकाउंट जो है ना बिल्कुल फ्रीज हुआ था। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इसे अनफ्रीज करो, मैंने बहुत सी मैसेजेस किए, लेकिन कोई भी आप लोगों की तरह मुझे भी कोई भी मैसेज नहीं आया टिकटॉक की तरफ से, मेरा अकाउंट भी अनफ्रीज नहीं हुआ। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने एक नया अकाउंट बनाया है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की जितने फॉलोअर है, जितने लाइक है, उसको भूल जाना है, उसको ऐसे समझना है कि मेरा कुछ है ही नहीं। आप लोगों ने इस अकाउंट को डिलीट करना है और एक नया अकाउंट बनाया है। तो रुको गाइज, तरीका मैं सारा तरीका बताता हूँ, आप लोगों को वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो आज मैं टिकटॉक की जो सेटिंग होता है, एक एक सेटिंग में आप लोगों को प्रूफ के साथ अच्छी तरीके के साथ समझाऊंगा कि इस सेटिंग को ऑन करना है, इस सेटिंग को ऑफ करना है। क्योंकि अगर आपका टिकटॉक सेटिंग अच्छा नहीं होगा, आपका टिकटॉक जो सेटिंग है वो सही तरीके से नहीं हुआ, तो फिर भी आपका अकाउंट ग्रो नहीं करता, फिर भी आपका वीडियो वायरल नहीं होता। तो अगर आपको 50 से कम यूज़ आते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज है, तो आपको इस अकाउंट को डिलीट करना है और एक नए अकाउंट को बनाना है। और ऐसे नहीं है कि आप लोग नया अकाउंट बनाओगे तो अचानक से वायरल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने मेहनत करना होगा, मेरे साथ जो खुद हुआ है मैं वो बताऊँगा आप लोगों को। मैंने चार या पाँच महीने मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मेरे एक वीडियो भी इस नए अकाउंट पर वायरल नहीं होता था। ये मेरा नया अकाउंट है, आप लोग खुद देख सकते हो कि आज मेरा माशाल्लाह 50,000 फॉलोअर पूरे हो गए हैं और लाइक्स भी बहुत अच्छी तरीके से ये अकाउंट जा रहा है। लेकिन ये अकाउंट जो है ये 5 महीने बाद ग्रो कर गया, 5 महीने बाद उसमें वीडियो वायरल होने लगा। 5 महीने मैंने मेरा टिकटॉक अकाउंट पर एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ था।
आप लोगों की तरह 20-25 व्यूज आ जाते हैं, आ जाते थे मेरे अकाउंट पर, तो मैं बहुत परेशान था कि मेरा नया अकाउंट भी ग्रो नहीं करता। लेकिन 5 महीने बाद मेरा जब एक वीडियो वायरल हो गया तो उसके बाद मेरा हर वीडियो वायरल शुरू हो गया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा जा रहा हूँ टिकटॉक पर, और आप लोगों को भी तरीका बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन से सेटिंग ऑफ करने हैं और आपको कौन कौन सी सेटिंग ऑन करने हैं। तो आए एक न्यू अकाउंट बनाते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि न्यू अकाउंट किसी तरह बनाते हैं। तो आइए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो गाइस हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो आप लोगों को टिकटॉक की जो सेटिंग है वो सिखाता हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले टिकटॉक ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर जाना है मी पर। जो ये अकाउंट है मैंने तकरीबन 3 दिन पहले बनाया है, लेकिन मैंने इसका कोई भी सेटिंग नहीं किया है। तो अब इसका सेटिंग करते हैं, जाते हैं थ्री डॉट्स पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग आ गया। तो सबसे पहले मैनेज माय अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ़ोन नंबर देना है और यहाँ पर ईमेल देना है और यहाँ पर पासवर्ड देना है। तो अब जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्विफ्ट टू प्रो अकाउंट। ये अकाउंट प्रो का है और इसके बाद और भी कुछ सेटिंग्स है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों ने स्विच टू प्रो अकाउंट पर क्लिक करना है। और फाइनली गाइस थोड़ा वक्त लेता है ये, तो अभी जो सिग्नल है आप लोग देख सकते हो। तो क्रिएटर और बिजनेस, पहले ये दोनों नहीं आते थे लेकिन अब आते हैं। अभी मेरे पास मैसेज भी आ गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएटर पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोग जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसे सेलेक्ट करो। तो मैं आर्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोगों को बता रहा है कि आप फीमेल हो, मेल हो या कोई कुछ हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने, अगर आप लोग फीमेल हो तो फीमेल पर क्लिक करना है, अगर आप लोग मेल हो तो मेल पर क्लिक करना है। तो मैं मेल हूँ, इसी तरह मैं मेल पर क्लिक करता हूँ। तो अब डन करता हूँ और अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों का जो एनालिटिक के ऑप्शन यहाँ पर है वो आ चुका है। तो जब ये आ गया तो आपका ये सेटिंग कंप्लीट हो गया। लेकिन इसका टिकटॉक में, इस सेटिंग को टिकटॉक में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये सेटिंग टिकटॉक में नहीं किया तो बिल्कुल आपकी वीडियो वायरल नहीं हो सकता। तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये क्या है। तो इस पर क्लिक करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या दिखाता है। तो यहाँ पर लिखा है और व्यू, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाता है वीडियो व्यूज, आपकी वीडियो पर 7 डेज में कितने व्यूज आ गए हैं। तो इस अकाउंट जो कि अभी अभी बना है इस पर 28 व्यूज आप लोगों को दिखाते हैं, 28 व्यूज इस अकाउंट पर आ गए हैं। और ये 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9, 10, तो 10 अगस्त पर ज़्यादा व्यूज आए थे, बाकी 7 अगस्त पर कम थे, 8 अगस्त पर बिल्कुल थे ही नहीं और 11 अगस्त पर भी नहीं थे, 12 अगस्त पर भी नहीं थे, 13 अगस्त पर कुछ आए थे। तो आप लोगों को इसी तरह दिखाता है। फिर जो लिखा है फॉलोअर, आपका 7 डेज में नहीं, आपके टोटल, यहाँ पर टोटल फॉलोअर दिखाता है। तो मेरा टोटल फॉलोअर 84 है। और तो यहाँ पर जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों को दिखाई देते हैं कंटेंट। तो कंटेंट पर जाते हैं, तो मैंने बहुत से दिनों से इस पर वीडियो भी नहीं अपलोड किया, आप लोग दिखाई सकते हो। लास्ट 7 डेज में मैंने एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है, ये सारे पुराने वीडियो हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाता है कि आप लोगों ने 7 डेज में कितनी वीडियो पोस्ट की है और आपके कितनी वीडियो ट्रेंडिंग वीडियो बन गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई ट्रेंडिंग वीडियो, तो मेरा कुछ ये जो 9 वीडियो है ये ट्रेंडिंग में जा चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर है इन फॉलोअर, तो ये आप लोगों को दिखाता है 84 फॉलोअर है मेरा। और गेट मोर, और ये जो
और बाकी चीज़ें मेरा शो नहीं करता, तो यहाँ पर क्योंकि ये अकाउंट नया है तो ये शो नहीं करता, तो इसके बारे में कुछ और दिन में बताऊंगा, अभी ये शो नहीं करता। अब मैं और सेटिंग आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ। तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंट में आप लोगों ने प्रो किया तो जाते हैं प्राइवेट एंड सेफ्टी, यहाँ पर सब कुछ तो यहाँ पर है, तो इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो प्राइवेट अकाउंट है ये बंद करना है। अगर आप लोगों ने इसको ओपन किया तो आपका एक वीडियो भी किसी के पास भी नहीं जाएगा, आपका वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, तो आपका अकाउंट जो है वो प्राइवेट हो गया, आपके कोई भी लाइक नहीं आएंगे क्योंकि आपका वीडियो किसी तक पहुंचेगा नहीं। तो इसे इसी तरह बंद करना है। और सजेस्ट योर अकाउंट टू अदर्स, तो इसे बिल्कुल ओपन करना है और आप लोगों को दिखाई देता है, इसे भी बंद करना है। और यहाँ पर आ जाते हैं इस पर, यहाँ पर लिखा है अलाउ योर वीडियो टू बी डाउनलोड, आपका वीडियो कोई डाउनलोड कर सकता है। तो अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो आपका जो वीडियो है टिकटॉक पर वो डाउनलोड कर सकते हैं लोग, लेकिन अगर उसने इसने आपको ऑफ किया तो आपका जो वीडियो है वो कोई भी डाउनलोड नहीं कर सकता। तो इसी तरह अगर आप चाहते हो कि मेरा वीडियो कोई डाउनलोड करे तो ऑन करना, अगर आप चाहते हो कि मेरा वीडियो कोई भी डाउनलोड ना करे तो इसे ऑफ कर देना। यहाँ पर लिखा है हु कैन सेंड योर डायरेक्ट मैसेज, यहाँ पर लिखा है कि आपको डायरेक्ट मैसेज लोग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर लिखा है, आपको दिखाई देता है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर एवरीवन कर दिया तो आपको सब मैसेज कर सकते हैं टिकटॉक पर, लेकिन अगर आपने फ्रेंड कर दिया तो सिर्फ आपके जो फॉलोअर है, आपके जो फ्रेंड है जो आपने भी फॉलो किया है और उसने भी फॉलो किया है, वो आपको मैसेज कर सकता है। और यहाँ पर लिखा है नो वन, अगर आपने नो वन पर क्लिक कर दिया तो कोई भी आपको मैसेज नहीं कर सकता, तो इसी लिए आप जो भी रखना चाहते हो वो रखो। तो दूसरा सेटिंग है हु कैन ड्यूट विद योर वीडियोज, तो यहाँ पर लिख रहे कि आपके वीडियो के साथ कोई ड्यूट कर सकता है। तो आप लोगों ने अगर एवरीवन कर दिया तो जो लोग भी आपका वीडियो देखना देख सकते हो देख देखता है, जो जो आदमी आपका वीडियो देखता है वो तुम्हारे साथ ड्यूट कर सकता है एवरीवन। अगर आप लोगों ने फ्रेंड पर क्लिक कर दिया तो सिर्फ जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे फ्रेंड हैं टिकटॉक पर, वो आपके साथ ड्यूट कर सकता है। अगर आपने यहाँ पर नो वन कर दिया तो आपके साथ तो कोई भी ड्यूट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आते हैं दूसरे पर, तो यहाँ पर लिखा है हु कैन राइट टू योर वीडियोज, तो यहाँ पर आप लोगों ने एवरीवन कर दिया है, तो इसको एवरीवन कर दिया, इसको भी, और ये जो लिखा है यहाँ पर हु कैन व्यू योर लाइक वीडियो, आपके जो लाइक वीडियो हैं, जो आपने लोगों को वीडियो लाइक किया है, आपने जो लोगों को वीडियो लाइक किया है वो और लोग भी देख सकते हैं या नहीं। अगर आपने यहाँ पर एवरीवन कर दिया तो आपने जितने भी वीडियो लाइक किया है वो सब लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर ओनली मी यानी सिर्फ मैं, तो अगर आपने ओनली मी पर क्लिक कर दिया तो आपका जो वीडियो है ना वो कोई भी नहीं देख सकता, सिर्फ आप देख सकते हो जो आपने वीडियो लाइक की है। और यहाँ पर लिखा है हु कैन कमेंट ऑन योर वीडियो, तो आपकी वीडियो पर कौन कौन कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। और अगर आपने एवरीवन पर क्लिक कर दिया तो जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ्रेंड्स कर दिया जो, तो इसका मतलब आपके जो फ्रेंड है जो दोस्त है वो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आपने नो वन कर दिया तो सिर्फ आपके जो नो अगर आपने नो वन कर दिया तो तुम्हारे वीडियो पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है, क्योंकि अगर आपका ऐसा वीडियो है जो आपको मालूम है कि ये इस वीडियो पर लोग मुझे बैड कमेंट कर सकते हैं, गलत कमेंट करते हैं, तो इसे कमेंट यहाँ पर बंद करना, तो आपके कोई भी वीडियो पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। और यहाँ पर कमेंट फिल्टर इसको ऑन करना है, और बाकी यहाँ पर सेटिंग है नहीं, तो जाते हैं
सिक्योरिटी पर, तो सिक्योरिटी पर इसको ऑन करना है और ये टू स्टेप जो है उसे ऑफ करना है, और ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है उसे यहाँ पर डन आता है उसे डन करना है। तो थोड़ा नेट मेरा स्लो है तो इसे डन करना है, ठीक है। अब जाते हैं बैक और कंटेंट परफॉर्मेंस पर जाते हैं, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर तीन लैंग्वेज सेलेक्ट करो, सबसे पहले इंग्लिश और बाद में उर्दू, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और भी जो भी आप पसंद करना चाहते हो तो इसे सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर इंडोनेशिया में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फिर डन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके जो लैंग्वेज है वो हो गए। तो फिर आप लोगों को जाना है शेयर प्रोफाइल, तो शेयर प्रोफाइल पर आप लोगों को जाना है, और आप लोगों को जो आपके लिंक है टिकटॉक का लिंक है आप कॉपी भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पर भी भेजवा सकते हो, आप मैसेज के जरिए भी किसी के पास भेजवा सकते हो, आप फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हो, आप मैसेंजर पर भी किसी को भेजवा सकते हो, आप SMS भी कर सकते हो, आप ईमेल पर भी किसी को भेजवा सकते हो और अदर भी। तो इसी तरह आप टिकटॉक के लिंक जो है ना, जो आपको लोग कहते हैं कि लिंक भेजो, तो यहाँ पर वो लिंक बेच सकते हो आप लोग। और एनालिटिक्स तो मैंने बताया और टिकटॉक कोड यहाँ पर कुछ नहीं है। तो फाइनली गाइज इन सेटिंग्स में आप लोगों को मैंने अच्छी तरीके से समझाया, अगर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सेटिंग जो है ना और इसके बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेकिन ये जो बाकी सेटिंग है इसके बारे में भी इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में इसका सेटिंग भी बताता हूँ। अगर आप लोगों का टिकटॉक की कोई भी सेटिंग गलत है तो आपका वीडियो वायरल नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैं सारा सेटिंग आप लोगों को बताऊंगा। गाइज उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, क्योंकि लाइक से आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मेरा लाइक तो बनता है ना यार। मैं इतना मेहनत करता हूँ, अगर लाइक भी आप लोग नहीं देते तो मैं किस लिए ये वीडियो बनाता हूँ। आज मैं पसीने में खड़ा हूँ, ये मुझे पसीना भी आ रहा है, गर्मी है, पंखा में क्यों ऑन नहीं, पंखा में इसलिए ऑन नहीं करता क्योंकि एक वीडियो में मैंने पंखा ऑन किया था लेकिन वो वीडियो में बहुत शोर आ गया था, तो इसीलिए मैं पंखा ऑन नहीं करता क्योंकि वीडियो में बहुत शोर आ जाता है, फिर आप लोगों को मेरे बात समझ नहीं आता। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।